हेलो एवरी वन वेलकम टू डायनामिक स्टडी आज हम थियोरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट आज हमारा ब्रॉड टॉपिक है इसका फर्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक सच आज हम पढ़ेंगे जल्दी से ठीक है उसके बाद उसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो पहले देख लेते हैं आज का क्वेश्चन द पॉइंट एट विच टोटल प्रोडक्ट स्टॉप इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एंड स्टार्ट अ डिक्रीजिंग रेट इज कॉल्ड यहाँ पर चारों ऑप्शन गिवन है तो जिनको पता है आप खुद ट्राई कीजिए Next question here. Which of the following is the correct definition of the law of diminishing returns? Option A: If extra units of one variable input is added to a fixed amount of all other inputs, then sooner or later the marginal returns will get smaller. Option B: If extra units of one variable input are added to a fixed amount of all other inputs, then the marginal returns will get, will always get smaller. ऑप्शन सी इफ एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ ऑल वेरिएबल इनपुट्स आर एडेड टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑल फिक्स्ड इनपुट देन द मार्जिनल रिटर्न्स विल ऑलवेज गेट स्मॉलर एंड ऑप्शन डी इफ एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ ऑल वेरिएबल इनपुट्स आर एडेड टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑल फिक्स्ड इनपुट्स देन सूनर और लेटर द मार्जिनल रिटर्न्स विल गेट स्मॉलर अब ध्यान से ऑप्शंस पढ़िए और आंसर करने की कोशिश कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंड कॉन्स्टेंट रिटर्न आर टेम्पररी फ्रेजेस ऑफ फोर ऑप्शन गिवन है liege, देख लीजिए आप पॉज करके देख लीजिए और खुद खुद ट्राई कीजिए आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर है टोटल प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम वेन यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी द ऑप्शन एंड ट्राई टू आंसर ऑन योर ओन The next question is In the following figure, marginal product reaches its maximum at a level of labor, which is which as compared to that for average product is. Next question: hai, In case law of constant returns is applicable, you have four options given. here. Constant returns applicable, then marginal or average product ka relation? Next question: hai, Which of the following is not the reason for increasing returns to scale? The next question: The law of diminishing returns is merely a matter of logical necessity, but the law of increasing return is a matter of empirical fact. This statement comes from. If you try it. Next question is: When the total product curve is falling, the, the options are: What are the, what will be the marginal product of labor actually? Okay, is it zero, negative, increasing, or uh, average product of labor is negative?

देखिए यहाँ पर लेबर है रॉ मटेरियल्स है फिज़िकल फोर्स है पावर फ्यूल, मशीनरी ये सब इनपुट्स है मतलब जो रॉ मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए ठीक है आप खाना पकाते हो जब तो खाना पकाने के लिए आपको क्या चाहिए आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए यूनिट ऑनियन्स यूनिट पोटैटोज़ यूनिट दीज काइंड ऑफ रॉ मटीरियल वेजिटेबल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसिस टू मेक अ कुड फूड सिमिलरली एक कमोडिटी बनाने के लिए भी ऐसे ही इनपुट्स या रॉ मटीरियल्स की ज़रूरत है और प्रोडक्शन फंक्शन एक टेक्निकल रिलेशनशिप है इनपुट को जो आउटपुट में कन्वर्ट करता है तो इन जेर इन अ जनरल मैथमेटिकल फॉर्म प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यहाँ पर क्यू विच इज़ अ फंक्शन ऑफ यहाँ पर गिवन है क्वान्टिटी ले बिल्डिंग लेबर कैपिटल रॉ मटेरियल एंड टाइम सो इट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट्स ओके तो इसे हम प्रोडक्ट प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं जो कि दिखाते हैं एक टेक्निकल रिलेशनशिप ठीक है बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट ओके अब है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन के होते हैं तो यहां पर प्रोड्यूसर एक्सपेरिमेंट करता है विथ सेवरल प्रोडक्शन फंक्शन टू फाइंड विच वन इज सुटेबल फॉर हिम इन द लॉन्ग रन तो यहां पर फर्म पूरा का पूरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं कर पाता है तो अगर फर्म चाहते हैं उसका आउटपुट इंक्रीज करने के लिए इट कैन डू दैट डू इट बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल इनपुट आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर Q इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर L यहाँ पर वेरिएबल इनपुट जो है लेबर और K है फिक्स्ड दिस गिवन है के uh, है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लेबर तो शॉर्ट रन में एक इनपुट वेरिएबल होता है एल इज़ अ वेरिएबल इनपुट फैक्टर विच कैन बी चेंज एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन लेवल और आउटपुट लेवल ओके और नेक्स्ट है लॉन्ग रन लॉन्ग रन में सब इनपुट्स वेरिड है मेजर्स ऑफ प्रोडक्शन तो टोटल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट इज और टोटल आउटपुट इज द सम इज द सम ऑफ ऑल आउटपुट प्रोड्यूस्ड यूजिंग ऑल इनपुट सब इनपुट्स यूज करके जो आउटपुट मिलता है हमें उसे हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं सो व्हेन वी कंबाइन फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स वट एवर इज प्रोड्यूस्ड एग्रीगेट ऑफ दैट इज नोन एज द टोटल प्रोडक्ट एंड इट इज कैलकुलेटेड एज टी पी वन प्लस टी पी टू प्लस डोटो डॉट टी पी एन तो टोटल प्रोडक्ट टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस करता है इन इज द सम ऑफ ऑल द आउटपुट प्रोड्यूज यूजिंग ऑल द इनपुट इट इंक्लूड्स एवरीथिंग ठीक है तो जब हम फिक्स फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं विद वेरिएबल फैक्टर्स जिस जो भी हमें मिलता है एज अ रिजल्ट उसे हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं नेक्स्ट है एवरेज प्रोडक्ट तो एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द पर यूनिट प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर सो इफ वी डिवाइड टोटल आउटपुट ऑफ फर्म बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज वी गेट द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आप देख सकते हैं ए पी एल यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट को हम डिवाइड करते हैं विथ क्यू एल यहाँ पर क्यू एल है क्यू एल है यहाँ पर क्वान्टिटी ऑफ लेबर ठीक है यस आई आई ऑलरेडी मैंशन यहाँ पर क्यू एल क्वांटिटी ऑफ लेबर है और ए पी एल है एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर फाइन तो दैट इज वाई इट इज सेट दैट पर यूनिट प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर मतलब टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर को हम एवरेज प्रोडक्ट कहते हैं ओके और लास्ट है मार्जिनल प्रोडक्ट मार्जिनल आप जानते ही है टोटल प्रोडक्ट में चेंज आते हैं ड्यू टू एम्प्लॉय वन और वन मोर और वन लेस ऑफ अ वेरिएबल इनपुट आप एक यूनिट लेबर इंक्रीज कर देते हो तो टोटल तो प्रोडक्ट कितना चेंज होगा या आप एक यूनिट लेबर डिक्रीज कर देते हो तो टोटल तो प्रोडक्ट कितना चेंज होगा यह है यही है मार्जिनल प्रोडक्ट तो चलिए ये डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर हम अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर फॉर एग्जाम्पल लेबर हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में आउटपुट तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कर्व को हम टोटल प्रोडक्ट कर्व कह रहे हैं इसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट और इसको हम एवरेज प्रोडक्ट तो पहला जो पॉइंट है सॉरी पहला पॉइंट है वेन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट सॉरी यस तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है तब टोटल प्रोडक्ट इन इज़ इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट जब मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव और डिक्रीज है पॉजिटिव मतलब इस पार्ट पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है मतलब इससे एम बिफोर एम ओके पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट ओके जब मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो है तब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम रीच करते हैं और जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है तब टोटल प्रोडक्ट फॉल करती है तो ये है मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप ठीक है और नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट का अब है एवरेज प्रोडक्ट का रिलेशनशिप तो एवरेज प्रोडक्ट अब देखिए जब एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज होता है व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेस मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है मार्जिनल प्रोडक्ट आल्सो इंक्रीजेस बट एट अ फास्टर रेट देन एवरेज प्रोडक्ट क्योंकि देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज ग्रेटर देन द एवरेज प्रोडक्ट कर्व ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है वेन एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइंस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्सो डिक्लाइंस बट एट अ फास्टर रेट देन ए पी तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन करता है एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्लाइन करता है लेकिन एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा डिक्लाइन करता है इसलिए देखिए एवरेज प्रोडक्ट यहां पर ज्यादा है दैन द मार्जिनल प्रोडक्ट ओके और लास्ट पॉइंट जो है और लास्ट पॉइंट सॉरी क्या लास्ट पॉइंट जो है एम पी कट्स ए पी एट इट्स मैक्सिमम, सो एम पी इज इक्वल टू ए पी वन ए पी इज मैक्सिमम तो ये ई पॉइंट के बारे में वो कह रहा है जहाँ पर ए पी इज इक्वल टू एम पी ओके फाइन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिटर्न्स टू फैक्टर रिटर्न्स टू फैक्टर रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ आउटपुट व्हेन ओनली वन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड इन द शॉर्ट रन एंड फिक्स्ड फैक्टर रिमेंस कांस्टेंट तो रिटर्न्स टू फैक्टर मतलब व्हेन ओनली वन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज इन द शॉर्ट रन और फिक्स फैक्टर कॉन्स्टेंट रहता है ठीक है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर कैन राइज बट ओनली इन द इनिशियल स्टेज वेन द फिक्सड फैक्टर इज़ नॉट फुल्ली यूटिलाइज मार्जिनल प्रोडक्ट वेरिएबल फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर वेरिएबल वेरिएबल फैक्टर लेबर हो तो उसका मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो सकता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेज में जब फिक्स फैक्टर फुल्ली यूटिलाइज नहीं होता है ओके okay? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जिसे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शोज द प्रोडक्शन फंक्शन इन द शॉर्ट रन ये शॉर्ट रन कंसेप्ट है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज द क्वान्टिटी ऑफ वन फैक्टर इज इंक्रीज कीपिंग अदर फैक्टर फैक्टर फिक्स एक फैक्टर को मतलब इनपुट को हम इंक्रीज कर रहे हैं कीपिंग अदर फैक्टर फिक्स तो जो मार्जिनल uh, प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर फैक्टर का वेरिएबल फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज़ हो जाएगा जैसे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की तरह अब ज़्यादा एक फैक्टर इंक्रीज करोगे तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ कर जाएगा एक एग्जांपल हम देते हैं लाइक फॉर एग्जांपल एक एग्रीकल्चरल लैंड है तो वहाँ पर फाइव लेबरर्स फार्मर्स काम करते हैं तो जब फाइव फार्मर्स काम करते हैं वो टेन यूनिट्स आउटपुट देते हैं लेकिन अब आप मतलब फाइव टू सिक्स करोगे तो आउटपुट टेन ही रहेगा मतलब इसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो है मतलब इसका कोई एडिशनल प्रोडक्टिविटी नहीं है अगर आप इंक्रीज करते जाओगे तो क्या होगा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑफ ईच लेबर विल इवेंचुअली डिक्लाइन ओके तो अप टू द यूज ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर मतलब आप आ, कुछ अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एक सर्टेन अमाउंट होता है वेरिएबल फैक्टर का उसके यूज के बाद जब अगर आप फैक्टर को इंक्रीज करोगे आफ्टर अ सर्टेन स्टेज देन वो डिक्लाइन करेगा उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फैक्टर में इंक्रीज बट आफ्टर अ सर्टेन स्टेज इट स्टार्ट्स टू डिमिनिश सो वेन द वेरिएबल फैक्टर बिकम्स रिलेटिवली अबांडेंट द मार्जिनल प्रोडक्ट में बिकम नेगेटिव तो जब वेरिएबल फैक्टर रिलेटिवली रिलेटिवली अबांडेंट हो जाता है तो उसका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर जाता है नेक्स्ट है अजाम्शन ऑफ द लॉ तो यहाँ पर टेक्निक ऑफ़ प्रोडक्शन चेंज नहीं होता है ये अजाम्पन्स है सब वेरिएबल फैक्टर्स इक्वली एफिशिएंट होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर देयर मस्ट बी सम इनपुट्स हुज क्वांटिटी इज़ केप्ट फिक्स्ड कुछ इनपुट्स तो क्वांटिटी उसका फिक्स रहता है बिकॉज ऑफ दिस द रेशियो बिटवीन द फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर चेंजेस एंड दैट्स इट इज नोन एज वेरिएबल प्रोपोर्शन देखिए लेबर वेरिएबल है और के फिक्स्ड है तो देखिए इन दोनों का रेशियो चेंज होता है अगर एल चेंज हो तो इसलिए इसको कहते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन के फिक्स रहने से भी ठीक है तो ये है अजाम्पन्स ऑफ द लॉ तो एक अब हम एक्सप्लेन करते हैं एक ग्राफिकली तो और क्लियर हो जाएगा तो देखिए ये लैंड ये फिक्स्ड इनपुट है लेबर वन टू तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इंक्रीज होता जा रहा है टोटल प्रोडक्ट अब देखिए टू से फाइव फाइव से नाइन ट्वेल्व फोरटीन फिफ्टीन फिर कांस्टेंट होता है फिर डिक्रीज होता है क्योंकि आप याद रखिए टोटल प्रोडक्ट कब ऐसे दिखता है इंक्रीजेस फिर रीच में फिर एक पॉइंट में कांस्टेंट रहता है और फिर डिक्रीज़ होता है ठीक है तो फोर्टीन और मार्जिनल प्रोडक्ट अब देखिए पहले ये पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव है रीचेज अ मैक्सीम जो कि फ़ोर है ये मैक्सिमम फोर है रीजस मैक्सिमम फिर स्टार्ट डिक्लाइनिंग लेकिन पॉजिटिव है उसके बाद डिक्लाइन होते होते जीरो हो जाता है और जब वो जीरो हो जाता है तब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है और फिर नेगेटिव जब होता है मार्जिनल प्रोडक्ट तो टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाता है अब डायग्राम याद कीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा अब इस डायग्राम को देखिए तो और सॉरी अब इस डायग्राम को देखिए तो ये क्लियर हो जाएगा वो टेबल फाइन तो इस टेबल का स्टेज वन टिल फोर्थ यूनिट है जब मार्जिनल प्रोडक्ट रीच मैक्सिमम होता है उसके बाद जब मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव रहता है लेकिन डिक्रीज होता है वो सेकेंड स्टेज और जब ज़ीरो मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाते हैं तब थर्ड स्टेज लास्ट डो है थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन तो आप देखिए ये ग्राफ ये ग्राफ आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम पॉइंट है तो यहाँ पर रिटर्न दिया गया है इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग रिटर्न नेगेटिव रिटर्न तो इस ग्राफ को चलिए एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ नहीं ये नहीं है तो आप देखिए यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट इस ग्राफ के अनुसार यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है यहाँ पर टिल फोर यूनिट्स देखिए फोर यूनिट्स फिर ये डिक्रीज करता है उसके बाद ज़ीरो एंड देन इट इज़ नेगेटिव ओके तो ये तीनों कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं नेक्स्ट है रॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इन द लॉन्ग रन एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट मे बी अचीव्ड बाय वेडिंग ऑल फैक्टर्स इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल तो लेबर और कैपिटल दोनों ही वेरिएबल हो जाते हैं लॉन्ग रन में ठीक है तो लेबर और कैपिटल दोनों ही वेरिएबल हो जाते हैं लॉन्ग रन में सो ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल ओके सो इन द लॉन्ग रन टू इंक्रीज आउटपुट वी मे चेंज ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन सेम प्रोपोर्शन और बाय डिफरेंट प्रोपोर्शन हम इंक्रीज़ करते हैं ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आइदर बाय सेम प्रोपोर्शन या बाय डिफरेंट प्रोपोर्शन तो सपोज हमारा इनिशियल लेवल ऑफ आउटपुट और इनपुट है ऐसे देखिए इनिशियल हम एक्स नॉट से डिनोट कर रहे हैं एक्स नॉट विच इज़ अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल और हम इंक्रीज़ कर रहे हैं सारा फैक्टर्स बाय द सेम प्रोपोर्शन ए हम सारा का सारा फैक्टर्स इंक्रीज कर रहे हैं बाय द प्रोपोर्शन ए तो ये देखो ये है एक्सस्टार ओके okay, एक्सटार विच इज ए इंटू एल एंड ए इंटू के ओके okay? सो वी आर इंक्रीजिंग इन अगर एक्स्ट्रा अब देखिए ये पॉइंट अगर X star इंक्रीजेस होता है मोर देन प्रोपोर्शनेटली विद द इंक्रीज इन फैक्टर्स तो उसे हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं अगर जितना रेट मतलब आप जितना रेट से इनपुट्स को इंक्रीज कर रहे हो उससे ज्यादा अगर आपका एक्स्ट्रा इंक्रीज होता है तो उसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं नेक्स्ट है अगर सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो मतलब आप ए नंबर से लेबर और कैपिटल इंक्रीज कर रहे हो तो आपका आउटपुट भी ए नंबर से इंक्रीज होता है सेम प्रोपोर्शन तो उसको कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं और डिक्रीजिंग मतलब जब आप इंक्रीज कर रहे हो फैक्टर्स तो आपने जितना इंक्रीज कर रहे हो उससे कम अगर आउटपुट इंक्रीज होता है प्रोपोर्शन में दैट इज अग्स डिक्रीज लेस देन प्रोपोर्शनेटली विद द डिक्रीज इन फैक्टर्स देन हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है ओके okay, तो चलिए अब डायरेक्ट आंसर्स में जाते हैं द पॉइंट एट विच टोटल प्रोडक्ट स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट इस इसको हम क्या कहते हैं इसको हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर कर, मतलब इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब अ पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द साइन ऑफ द कर्वेचर चेंजेस राइट तो देखिए इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड देन इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट सो देर इज अ चेंज सो देन इट विल बी कॉल्ड एज इनफ्लेक्शन पॉइंट तो इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आई रेड द ऑप्शन बिफोर एज वेल देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ वन वेरिएबल इनपुट आर एडेड टू अ फिक्सड अमाउंट ऑफ ऑल अदर इनपुट्स ये ऑप्शन ए होगा क्यों मैं कह रही हूँ देखिए अब हर एक ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए देखिए इफ़ एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ वन वेरिएबल इनपुट ठीक है इज एडेड टू अ फिक्सड अमाउंट ऑफ ऑल अदर इनपुट्स इन द मार्जिनल रिटर्न्स विल ऑलवेज गेट स्मॉलर नहीं क्योंकि आप लेबर जब इंक्रीज करते हो पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिक्रीज नहीं करता है स्मॉलर नहीं करता है आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन अमाउंट वो डिक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ओके और वेरिएबल इनपुट ओके तो ये तो नहीं होगा ये भी नहीं होगा ऑलवेज ठीक है और यहाँ पर ऑल वेरिएबल इनपुट्स नहीं वन वेरिएबल इनपुट होगा और यहाँ पर भी देखिए ऑल वेरिएबल इनपुट्स ऑल फिक्स्ड इनपुट्स सूनर और लेटर सो दिस इज़ बेसिकली वन वेरिएबल इनपुट एडेड टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑल अदर इनपुट्स इन सूनर और लेटर द मार्जिनल रिटर्न विल गेट स्मॉल ठीक है तो ये आंसर ए होगा Then the next question is question 3 Law of increasing and constant returns are uh, temporary phrases of this is very easy. Hai, law of returns to scale. Next is total production will be maximum when kabho marginal production is zero. Then 4 hai in the following figure marginal product reaches its maximum at a level of labor which as compared टू दैट फॉर अदर एवरेज प्रोडक्ट इज ये ऑप्शन बी होगा देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट जब मैक्मम रीच करते हैं एट द लेवल ऑफ लेबर विच इज़ एज़ कम्पेयर टू दैट फॉर द एवरेज प्रोडक्ट इज़ लोअर क्योंकि तब मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द एवरेज प्रोडक्ट आप देखिए ये वीडियो तो डायग्राम आप कंपेयर कीजिए और क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट इज़ इन केस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न इन केस लॉ ऑफ कॉन्सटेंट रिटर्न इज एप्लीकेबल देन मार्जिनल प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रिटर्न जब एप्लीकेबल होता है तो क्या होगा मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट इक्वल होगा कॉन्स्टेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का ऑप्शन नहीं है इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब आप फिक्सड फैक्टर्स को इंक्रीज कर रहे हो तो आपका आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है फैक्टर्स इंक्रीज से तो इसका ऑप्शन सी होगा ग्रेटर स्पेशलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ओके तो बाकी के ऑप्शंस विल बी फीजबल विल बी एप्लीकेबल विद दैट दैट ऑफ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल नेक्स्ट ऑप्शन ये जॉन रॉबिन्सन होगा द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इज मेरली अ मैटर ऑफ लॉजिकल नेसेसिटी बट अ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इज अ मैटर ऑफ एम्पेरिकल फैक्ट नाइंथ क्वेश्चन टोटल प्रोडक्ट कर्व इज फॉलिंग टोटल प्रोडक्ट कर्व इज फॉलो देन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव and the last question when marginal product reaches its maximum what can be said of the total product curve marginal product maximum job reach karte the total product curve is increasing still positive absolutely right so thank you so much for watching the video keep watching keep learning or achala lage to share the video taki or logo ko pata chale and this was the basics of Production, we'll be coming up with more concepts of production and cost, more difficult concepts and difficult MCQs. So, till then, uh, keep learning and stay safe, of course.